गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर स्टडिंग लेसन नंबर 5 इन इंग्लिश ग्रामर यूज ऑफ ए एन एंड द मतलब ए एंड द का उपयोग ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स ए एन एंड द क्या होते हैं बेटा आर्टिकल्स दीज वर्ड आर यूज टू डिफाइन वेदर ए नाउन इज डिफाइनाइट और इनडेफिनाइट मतलब These words मतलब ये वर्ड कौन से ए एन एंड द ये जो तीन वर्ड्स हैं ये वर्ड्स आर यूज्ड ये कहाँ यूज्ड होते हैं किसको डिफाइन करते हैं क्या डिफाइनाइट का मतलब होता है निश्चित और इनडिफाइनाइट का मतलब होता है अनिश्चित नाउन मतलब संज्ञा तो यह जो वर्ड्स हैं ये निश्चित नाउन के आगे यूज होते हैं या फिर अनिश्चित नाउन के आगे यूज होते हैं नाउन मतलब संज्ञा यूज ऑफ ए सबसे पहले अपन बात करते हैं ए का उपयोग ए इज यूज्ड विद सिंगुलर वर्ड ए कौन से वर्ड्स के साथ यूज होता है सिंगुलर वर्ड्स सिंगुलर मतलब एक वचन विच बींग्स विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड जो किससे रिलेटेड होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन से होते हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. मतलब इसमें कितने वर्ड मिसिंग है 5. कौन कौन से A, E, I, O, U. और ये क्या होते हैं ये होते हैं वोवल्स और जितने भी वर्ड मैंने इसके अलावा बोले थे इन 5 वोवल्स के अलावा जो भी वर्ड्स होते हैं ए बी सी डी के अंदर वो क्या होते हैं कौन सा नैन जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एक कार इज पार्क ऑन द स्ट्रीट एक कार कहाँ पार्क हो रखी है स्ट्रीट पे एक जिराफ मतलब एक जिराफ इज ए वेरी टॉल एनिमल एक जिराफ क्या है ये बहुत बड़ा जानवर है तो मतलब जो ए है वो क्या है एक सिंगुलर वर्ड है और वो किसके साथ में यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अब बात करते हैं अपन यूज ऑफ एन की एन का उपयोग एन इज यूज्ड विद सिंगुलर वर्ड एन भी किसके साथ यूज होता है सिंगुलर वर्ड्स के साथ मतलब एक वचन शब्द के साथ विच बींग विथ ए वोवल साउंड लेकिन वो किससे रिलेटेड होते हैं वोवल साउंड मतलब ए ई आई ओ यू मतलब जहाँ भी ए ई आई ओ यू आएगा मतलब ये 5 वर्ड में से कोई भी वर्ड आएगा उसके साथ में क्या यूज़ होगा एन जहाँ भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा उसके साथ में क्या यूज़ होगा ए जैसे कि अपन एन के कुछ सेंटेंस बैठते हैं दिस इज़ अम्ब्रेला यहाँ पे अम्ब्रेला क्यों आया क्योंकि यू क्या है इसमें वोवल तो यहाँ पे अपन ने इससे पहले क्या यूज़ किया एन सेकेंड एन एलिफेंट इज़ ए बिग एनिमल एक एलिफेंट क्या एक बड़ा जानवर है तो यहाँ पे एन क्यों है क्योंकि ई क्या है इधर वोवल तो इधर अपन ने किसका यूज़ किया एन का अब अपन बात करेंगे द की लेकिन उससे पहले ऊपर एक लाइन दे रखी है नॉट ये अपन पढ़ते हैं आर्टिकल ए And N are always used with common noun, which are singular. मतलब जो आर्टिकल A और N होता है वो किसके साथ यूज़ होता है हमेशा कॉमन नाउन के साथ में जो कि हमेशा सिंगुलर होता है अब अपन बात करते हैं यूज ऑफ द का उपयोग द इज़ यूज बिफोर द किससे पहले यूज होता है ए स्पेसिफिक पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल स्पेसिफिक मतलब होता है कि मतलब कि वो पर्सन क्या हो एक ही हो वो जगह एक ही हो वो चीज़ एक ही हो या फिर वो एनिमल एक ही हो इट इज़ डिफाइनाइट आर्टिकल ये क्या है निश्चित आर्टिकल है विच टेल अस अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन थिंग प्लेस एक्स्ट्रा और वो अपन को क्या बताता है पर्टिकुलर सिर्फ उसी पर्सन के बारे में उसी चीज़ के बारे में या फिर उसी जगह के बारे में रीड द फॉलोइंग सेंटेंस अब अपन देख के कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं
जैसे रीना इज वेयरिंग, रीना ने क्या पहन रखा है, द रेड स्कर्ट। डैश आर ऑन द टेबल द बुक्स, द डैश इज एन आगरा द ताजमहल। ताजमहल एक ही है, एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है ताजमहल, इसलिए द इससे आगे यूज हुआ। आई वॉन्ट टू डैश द इंडिया गेट, द इंडिया गेट क्यों, क्योंकि इंडिया गेट स्पेसिफिक एक ही प्लेस का नाम है। द शिप इज सेलिंग इन द सी, मतलब जो एक शिप है वो कहाँ पे तैर रही है, पानी के, सॉरी सी मतलब समुंदर के ऊपर। सम मोर एग्जाम्पल्स, अब कुछ और भी एग्जाम्पल्स अपने सामने। द गंगेज, गंगा रिवर, वर्ल्ड में एक ही रिवर है, इज ए होली रिवर। द हिमालय इज द हाइएस्ट माउंटेन, हिमालय और द हाइएस्ट माउंटेन। द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, जो कुतुब मीनार है वो एक ही प्लेस और वो कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर, इसलिए इससे पहले क्या यूज़ हुआ, द। द रामायण इज द होली बुक, होली बुक ऑफ हिंदूज। यहाँ पे दो दो जगह द का यूज़ हुआ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि सन राइजेज हमेशा कहाँ छुपता है, ईस्ट के अंदर, तो द, इसलिए अपन ने इससे आगे पहले द यूज़ किया। अब इसका नोट है, द इज़ यूज विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, जो द होता है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ यूज़ हो सकता है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो सिंगुलर ही हो या फिर कोई कंपल्सरी नहीं है वो प्लूरल ही हो, वो दोनों के साथ यूज़ हो सकता है, मतलब वो एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ में यूज़ हो सकता है। तो ये था अपना लेसन नंबर 5, यूज़ ऑफ ए एन एंड द।